गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू अगेन। दिस इज थर्ड पार्ट इन द एट्थ क्लास। ओके, दिस पैराग्राफ वाज रिमेनिंग लास्ट पार्ट। सो दस वुमन नो बिगन टू स्पीक अप फॉर जस्टिस फॉर वुमन। देखिए, वुमन ने भी यहाँ पे वुमन जस्टिस के लिए काफ़ी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। नेशनलिस्ट लीडर वर ऑल्सो इन द फेवर ऑफ रिफॉर्म वुमन। ठीक है, जो नेशनलिस्ट लीडर थे, जो राष्ट्रीय लीडर नेता थे, वो भी वुमन के फेवर में आने लगे थे। एंड डिसाइडेड टू गिव वुमन इक्वल राइट इन आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो भी चाहते थे कि आज़ादी के बाद वुमन को भी इक्वल राइट्स मिले। नेक्स्ट आता कास्ट रिफॉर्म। देखिए, द कास्ट सिस्टम ग्रेजुअली गॉट डिल्यूट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। देखिए, कास्ट सिस्टम धीरे धीरे डिल्यूट होने लगे थे, धीरे धीरे खत्म होने लगे थे कॉलोनियल रूल्स के दौरान। दिस वाज ड्यू टू मेनी रीजन, बहुत सारे कारण इसके पीछे। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे एंड बसेस। ब्रिटिश ने यहाँ रेलवे और बसेस स्टार्ट कर दिया गया था। एंड हेयर अपॉन पीपल डिफरेंट कास्ट हैड टू ट्रेवल। और स्वाभाविक सी बात है, बस या ट्रेनों में डिफरेंट कास्ट के पीपल ट्रेवल करते हैं। सो ऑल्सो विद द मोर पीपल मूविंग इन टू द अर्बन एरिया। और बहुत सारे लोग चाहते थे कि वो अर्बन एरिया में ट्रेवल्स करें। सो कॉन्टैक्ट बिटवीन द डिफरेंट कास्ट इंक्रीज। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो है डिफरेंट कास्ट के बीच इंक्रीज होता जा रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड द आइडिया ऑफ इक्वलिटी अमंग द एजुकेटेड इंडियन। और स्पेशली यहाँ पे जो वेस्टर्न एजुकेशन का काफ़ी यहाँ पर स्प्रेड रहा आइडिया ऑफ इक्वलिटी अमॉन्ग द एजुकेटेड ऑफ इंडियन। सो क्रिश्चियन मिशनरी सेट अप स्कूल फॉर लोअर कास्ट एंड ट्राइबल। इसलिए क्रिश्चियन मिशनरी ने भी लोगों के लिए स्कूल शुरू कर दिए गए थे। देखिए इस पिक्चर में, देखिए किस तरह से एक पीपल आए यहाँ पे अगली स्केयर ऑफ इंडियन सोसाइटी, किस तरह से वो बेक देते थे, ऊपर से फेंक के दिया करते थे। सो द एजुकेटेड इंडियन बिगन टू क्वेश्चन द कास्ट सिस्टम स्पोक अगेंस्ट इट। और एजुकेटेड जो इंडियन थे वो भी अब यहाँ क्वेश्चन करने लगे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। दे रेज देयर वॉइस फॉर रिमूवल ऑफ सच इनइक्वलिटी। और उन्होंने भी आवाज उठाई इस तरह की जो इनइक्वलिटी हो रही थी। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ जुडिशियल सिस्टम। ब्रिटिश ने भी यहाँ पे आवाज़ उठाई इनइक्वलिटी। एंड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ जुडिशियल सिस्टम वेयर ऑल वर इक्वल बिफोर द लॉ। और उन्होंने भी आवाज़ बताया कि सभी इक्वल लॉ के आगे, ठीक है, बिफोर सभी इक्वल है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश वर ओपन। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले गए बाय ब्रिटिश वर ओपन टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ कास्ट। सो ऑल्सो देयर वर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल फ्रॉम कास्ट टू गेट। और यहाँ पे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई फॉर पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। प्रशासनिक सेवा में सभी को बराबर अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट आता है कास्ट रिफॉर्म। देखिए, कास्ट रिफॉर्म जो आता है यहाँ पे, रिफॉर्म इन द कास्ट सिस्टम हैड बिकम असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब यहाँ पे सुधार जो था कास्ट में होना जरूरी था। यदि डेवलपमेंट चाहते हैं सोसाइटी का तो कास्ट में सुधार जरूरी था। देयर वर रिफॉर्म मूवमेंट इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। और इसलिए भारत के बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे कोनों में रिफॉर्म मूवमेंट चल गए थे, सुधार आंदोलन। मेनी मूवमेंट्स वर लीड बाय द पीपल ऑफ लोअर कास्ट हु फॉट हार्ड टू अबोलिश द कास्ट इनइक्वलिटी। और बहुत सारे जो लीडर थे वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, जो चाहते थे कि यहाँ पूरी तरह अबोलिश हो कास्ट सिस्टम। सर नारायण गुरु वाज अ सोशल रिफॉर्मर। देखिए, सर नारायण गुरु यहाँ पे एक सोशल रिफॉर्मर थे। बॉर्न इन द एजावा कास्ट विच वाज फोर्स मेनी सोशल इनजस्टिस। और ये एजावा कास्ट से बिलोंग करते थे, जो जिस, ठीक है, जहाँ पे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फेस मेनी सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय होता था इनके साथ। ही ब्रॉट रियलाइजेशन टू द अनप्रिविलेज क्लास दैट दे वर एंटाइल्ड टू गेट रिस्पेक्ट। ही मोटिवेट देम टू एजुकेशनली स्पिरिचुअली अपलिफ्ट देमसेल्फ टू बेटर देयर लाइफ। वो चाहते थे एजुकेशन के तौर पे मोटिवेट हुए थे कि वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते थे, सुधार करना चाहते थे। ही फाउंडेड एन आश्रम एट अलुआ। और उन्होंने एक आश्रम फाउंड किया अलुआ में, कॉल्ड अद्वैत आश्रम। और इसको अद्वैत आश्रम कहा गया। वीर सालिंगम वाज अ सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पर दूसरा है, वीर सालिंगम वाज अ सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम आंध्र प्रदेश से थे। ही वेमली अपोज द कास्ट सिस्टम। इन्होंने भी पूरी हृदय से, पूरे दिल से इसका, ठीक है, काफ़ी गहराई से इसका अपोज किया कास्ट सिस्टम का। एंड लॉन्च द एंटी कास्ट मूवमेंट। और एंटी कास्ट मूवमेंट स्टार्ट किया। ही सेट अप ब्रह्म समाज एट बेंगलोर। और बेंगलोर में इन्होंने ब्रह्म समाज इस्टैब्लिशमेंट किया। घासीदास स्टार्टेड द सतनामी मूवमेंट। और घासीदास ने सतनामी मूवमेंट स्टार्ट किया था इन 1830। ही वर्क टूवर्ड द सोशल जस्टिस फॉर द लेदर वर्क। और इन्होंने भी टूवर्ड द सोशल जस्टिस फॉर द लेदर वर्क के तौर पे इन्होंने आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट आता है एजुकेटिंग द लोअर कास्ट।
द लोअर कास्ट समटाइम गोट एडमिशन इन द स्कूल। देखिए लोअर कास्ट को भी स्कूल में एजुकेशन मिलने लगा था, गोट एडमिशन, बट दे वर डिस्क्रिमिनेट इन दर क्लास रूम। लेकिन क्लास में उसके साथ भेदभाव किया जाता था। दे कुड नॉट सिट विद द अदर हाई कास्ट चिल्ड्रन, वो हाई कास्ट चिल्ड्रन के साथ नहीं बैठ पाते थे। दे कुड नॉट टॉक प्ले एंड ईट प्ले विद दैम, ना तो उनसे बात कर सकते, नहीं खेल सकते, नहीं खा सकते थे उनके साथ। सो दे हैड टू सीट आउटसाइड द क्लास रूम, उनको क्लास के बाहर बैठना पड़ता था। एट टाइम दे वर मेड टू स्वीप द क्लास रूम, और उस समय उनको पूरी क्लास रूम का सफाई भी करना पड़ती थी। एंड इवन क्लीन द टॉयलेट, टॉयलेट भी साफ करना होते थे। डू यू थिंक दिस वॉज फेयर, वॉज इट वाइज टू सेंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन टू स्कूल, क्या बुद्धिमानी होगी उस इस तरह के यदि स्कूल में बच्चों के साथ ट्रीट होता तो क्या सही था? इस सारे क्वेश्चन का रिप्लाई आप खुद सोच समझ के कर सकते हैं। नाउ ब्रह्म समाज मूवमेंट, अब देखिए नॉन ब्रह्म समाज मूवमेंट, ईवी रामस्वामी नायकर ऑल्सो कॉल्ड पेरियर कंट्रीब्यूशन इमेंसली टू द सोशल रिफॉर्म इन साउथ इंडिया। देखिए इन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन किए, यहाँ पे काफ़ी अपना योगदान दिया सोशल रिफॉर्म इन साउथ इंडिया में। ही एक्सपीरियंस वाइज सच एज डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लोटेशन एट वेरी यंग एज। देखिए उनको भी, उनके साथ भी काफ़ी भेदभाव हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, अत्याचार हुआ था उनके ऊपर एट वेरी यंग एज। ही स्टूड अप फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसिपल सच इक्वलिटी कास्ट सेक्सेस। ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल दिए हैं कि इक्वलिटी होना चाहिए कास्ट या सेक्स के तौर पे। एंड एंड टू द एक्सप्लोटेशन ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, और एंड होना चाहिए यहाँ पे, खत्म होना चाहिए नॉन ब्राह्मण के साथ या द्रविड़ियन ऑफ साउथ इंडियंस, इनके साथ जो है बुरा बर्ताव हो रहा वो खत्म होना चाहिए। पेरियार वॉज ऑलवेज अगेंस्ट द ब्राह्मण्स, और पेरियार हमेशा ब्राह्मण के अगेंस्ट रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम ब्राह्मण्स क्लेम टू बिलोंग टू अ सुपीरियर कम्युनिटी, उनके अनुसार ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर कम्युनिटी मानते थे। ही क्लेम दैट अ सर्टेन प्लेस ऑफ शेड्यूल कास्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू यूज द पब्लिक टैंक, उन लोगों का अकॉर्डिंग जो शेड्यूल कास्ट थे उन लोगों को कुछ पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक टैंक का वेल का यूज करने की अनुमति नहीं था। एंड टाइम्स इवन द स्ट्रीट यूज बाय ब्राह्मण, और यहाँ तक कि जो स्ट्रीट ब्राह्मणों के द्वारा यूज की जाती थी उसमें भी वो यूज चल नहीं सकते थे। ही सेड दैट अनटचेबल वर द ट्रू अपहोल्डर ऑफ तमिल कल्चर। ही इवन क्रिटिसाइज स्क्रिप्चर विच इस्टेब्लिश डिफरेंट अमंग द कास्ट। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया, जो स्क्रिप्चर लिखी गई है उसके अगेंस्ट भी उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई है। पेरियार्स फॉरमोस्ट अपील टू पीपल वॉज डेवलप द सेल्फ रिस्पेक्ट, और पेरियार की सबसे मोस्ट जो अपील थी वो थी सेल्फ रिस्पेक्ट। ही बिगन टू सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी स्टार्ट किया, विच स्प्रेड प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इरेडिकेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, और उन्होंने ये मूवमेंट जो चलाया इसका मेन प्रिंसिपल था सेल्फ रिस्पेक्ट और इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, कि जो कास्ट सिस्टम उसको हटाया जाए। पेरियार कंपेइंग टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट टू टेक अ मेजर टू रिमूव सोशल इनइक्वलिटी, और पेरियार ने इस बात का भी प्रचार प्रसार किया, इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट टू टेक मेजर टू रिमूव सोशल इनइक्वलिटी, और प्रचार में उन्होंने गवर्नमेंट से अपील किया कि वो भी सोशल जो इनइक्वलिटी उसको रिमूव करें। He joined the Congress but left it because of witness the caste distribution. देखिए उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था लेकिन बाद में कांग्रेस को छोड़ दिया क्योंकि वहाँ उनके साथ जातिगत भेदभाव होता था। इवन देर इन 1944 ही फॉर्म अ पार्टी कॉल द्रविड़ खाजगम। ठीक है, द्रविड़दर खाजगम पार्टी बनाई थी। दिस ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद था छुआछूत को हटाना। इट ऑल्सो प्रोपोगेट वुमन्स एजुकेशन, और इन्होंने भी वुमन एजुकेशन को काफ़ी प्रोपोगेट किया। एंड विडो रीमैरिज, पेरियार पब्लिश तमिल वीकली कॉल कुडियारस। अब नेक्स्ट आता स्लेवरी सिस्टम। देखिए स्लेवरी सिस्टम जो हम देखेंगे यहाँ पे, ज्योतिबा फुले वाज एन इमिनेंट सोशल रिफॉर्मर। देखिए ये एक इमिनेंट काफ़ी महत्वपूर्ण सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। ही अपोज द कास्ट सिस्टम एंड वर्क एक्टिव अगेंस्ट इट, और इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट काफ़ी आवाज़ उठाई और एक्टिवली वर्क किया। ही बिलोंग टू अ कास्ट कंसिडर इन्फीरियर, उन्होंने कहा यहाँ पे कि जो कास्ट सिस्टम काफ़ी इन्फीरियर है। ही अटैक द ब्राह्मण्स एंड अपर कास्ट, उन्होंने ब्राह्मण और अपर कास्ट पर काफ़ी अटैक किए, काफ़ी कटाक्ष किए। ही ब्लेम देम फॉर अ फ्रेमिंग इन ह्यूमन लॉ सप्रेस द शुद्राज, और उन्होंने उनको ब्लेम भी किया, आरोप भी लगाया कि आपने बहुत ही बुरी तरह बहुत बुरी लॉ बनाई है, इन ह्यूमन लॉ अमानवीय लॉ बनाई टू सप्रेस द शुद्रा को, जो शुद्र लॉर क्लास है उनको दबाने के लिए। ही सेड द ब्राह्मण्स वर द डिसेंडेंट ऑफ द आर्यंस, और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण आर्यंस के ही डिसेंडेंट है। ठीक, हु वर आउटसाइडर एंड हैड एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन इंडिया, और जो बाहर से आए थे जिन्होंने भारत पर एस्टैब्लिशमेंट किया अपना अधिकार। द ओरिजिनली इनहेबिटेंट ऑफ द इंडियन वर द द्रविडियन, और ओरिजिनली भारतीय जो है मूल निवासी द्रविडियन है। हु वर ऑल्सो लोअर कास्ट, जो कि लोअर कास्ट से हैं। नेक्स्ट
ही इंजस्ट, देखिए उन्होंने आप और भी सजेस्ट किया, इंजस्ट किया दैट द ओनली वे टू गेट राइट ऑफ सोशल रिफॉर्म एविल वाज द एजुकेशन ऑफ वुमन। उन्होंने एक ही बात कही कि यदि आपको सोशल एविल से छुटकारा चाहिए, सामाजिक बुराई से, तो वुमन को एजुकेशन करना पड़ेगा एंड अपलिफ्ट मैन और लोअर क्लास, और जो लोअर क्लास उनको ऊपर उठाना पड़ेगा। ही फाउंडेड सत्य शोधक समाज, और उन्होंने यहाँ पे सत्य शोधक समाज की स्थापना की 1873। इट्स एम वाज टू लाइब्रेट द अनटचेबल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय अपर क्लास, और उनका मेन मकसद था कि लाइब्रेट करना पड़ेगा अनटचेबल फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अपर क्लास, जो अपर क्लास के लोग यहाँ पे आपको परेशान कर रहे हैं उसको आपको फ्री कराना पड़ेगा। इवन ही इवन कंस्ट्रक्टेड अ बाथिंग टैंक आउटसाइड हिज हाउस विच वॉज ओपन टू ऑल, ही इवन सेट एंड एट विद अनटचेबल, और ही कंस्ट्रक्ट बाथिंग टैंक, देखिए उन्होंने इवन यहाँ तक बाथिंग टैंक भी कंस्ट्रक्ट किया आउटसाइड हिज हाउस विच वॉज ओपन टू ऑल, और सबके लिए ओपन रख दिए, ठीक है, सब कोई भी आ सकता है। इवन सेट एंड एट विद द अनटचेबल, जो अनटचेबल के साथ बैठ सकता है, खा सकता है, नहा सकता है। अलोंग विथ हिज वाइफ सावित्री फुले ही बिगन टू स्कूल फॉर गर्ल्स, और सावित्री फुले ने भी उनके लिए स्कूल खोले गर्ल्स के। एंड लेटर फॉर लोअर कास्ट ही रॉट अ बुक कॉल गुलामगिरी, उन्होंने बुक भी लिखी गुलामगिरी स्लेवरी, पब्लिश इन जून 1873। एंड इस बुक ही हैज इक्वेटेड द कंडीशन ऑफ स्लेव्स इन अमेरिका, और उन्होंने इस बुक में अमेरिका में जो कंडीशंस थी स्लेव्स की उसके बारे में लिखा है, टू द शुद्रा इन इंडिया। अब टेम्पल एंट्री मूवमेंट, देखिए यहाँ पे टेम्पल एंट्री मूवमेंट लास्ट टॉपिक बस रहा हमारा ये, द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज बोर्न इन अनटचेबल, देखिए डॉक्टर अंबेडकर जो जन्मे थे इन अनटचेबल कास्ट वॉज द विक्टिम ऑफ द कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन के काफ़ी शिकार हुए, इनको भी बहुत ज़्यादा यातनाएं सहनी पड़ी थी। ही फोर्स ह्यूमिलेशन ऑफ मेनी अकेशन, और बहुत सारे अकेशन पे उनके साथ अमानवीयता की गई थी। स्कूल टीचर ट्रीटेड हिम बैडली, इवन मैड हिम स्वीप द क्लासरूम फ्लोर, और यहाँ तक कि उनको क्लासरूम का जो फ्लोर वो साफ करवाने के लिए कहते थे, क्लास से बाहर बिठाते थे। हाउएवर बीइंग इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही गॉट स्कॉलरशिप एंड वेंट टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी, हालांकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, उनको स्कॉलरशिप भी मिला और यहाँ तक कि उनको विदेश जाने का मौका भी मिला। ही वॉज डिटरमाइंड टू फाइट कास्ट सिस्टम, और हालांकि उन्होंने पूरी तरह दृढ़ निश्चय किया वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ेंगे। ही बिगन एन ऑर्गेनाइजेशन इन बॉम्बे कॉल्ड बहिष्कृति हितकर्णी सभा, और इन्होंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया यहाँ पे बहिष्कृति हितकर्णी सभा फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अनटचेबल, और अनटचेबल के प्रोग्रेस के लिए। ही प्रेज्ड फॉर सोशल इक्वलिटी अमंग द अनटचेबल एंड अदर कास्ट। इन 1927 ही लेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट, उन्होंने यहाँ पे 1927 में एक मूवमेंट चलाया टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ही वॉन्टेड टू असर्ट द सिविल राइट, और वो चाहते थे कि उनको सिविल राइट मिले ऑफ द अनटचेबल। ही लीड टू मोर सच मोमेंट टिल 1935। हिज अंटायर इफोर्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट फॉर अनटचेबल विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। हाउ एवर ऑल दिस मोमेंट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, हालांकि उनके जितने भी मोमेंट थे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट सिस्टम वर चैलेंज बाय ब्राह्मण्स, ठीक है, उनके जितने मोमेंट थे सभी जो मोमेंट है सिस्टम वर चैलेंज बाय द ब्राह्मण्स who also formed organization to uphold the caste system. The struggle against the caste system continue even today. और आज भी caste system जो struggle है लगातार जारी है, आज भी lower class के लोगों का काफ़ी शोषण होता है। हम देखते हैं caste system आज भी बुरी तरह, ठीक है, exist है society में बहुत जगह, हालांकि शहरों में धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन गाँव में आज भी exist है। So the reform movement swept away hindrance against the woman too. देखिए जो reform movements swept away hindrance of against woman टू एंड दे फाइनली गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेटेड एंड इम्प्रूव देयर पोजिशन ऑन द सोसाइटी। अब यहाँ पे वुमन को भी काफ़ी सुविधा मिल गई, काफ़ी अवसर मिले टू गेट द एजुकेशन, उन्होंने भी एजुकेशन को अचीव किया एंड इम्प्रूव देयर पोजिशन इन द सोसाइटी। दस फ्रॉम 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स एजुकेटेड वुमन बिगन टू पुट देयर व्यूज पब्लिशली एंड कम टू प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, और यहाँ पे वुमन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा स्ट्रगल में जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। द लोअर कास्ट ऑल्सो ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू मोमेंट बाय द सेकंड हाफ 19th सेंचुरी, और यहाँ पे लोअर कास्ट के लोगों ने भी काफ़ी हिस्सा लिया, ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू मोमेंट, और इस जो मोमेंट आंदोलन हुआ था इसमें उन लोगों ने भी ऑर्गेनाइज होकर हिस्सा लिया बाय द सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। दिस मोमेंट एड टू द मोमेंटम ऑफ द पोलिटिकल सर्ज अगेंस्ट द कॉलोनियल कॉज, और इस मोमेंट
ने भी काफ़ी एडिशन हो, काफ़ी स्पीड प्रोवाइड की थी पॉलिटिकल सर्ज अगेंस्ट द कॉलोनियल कॉज दैट यूनाइट पीपल एंड गेव द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इट्स मास चार्टर है, ठीक है, कैरेक्टर, और इसको काफ़ी हेल्प किया था यहाँ पे फ्रीडम जो मूवमेंट चला था स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इसमें मास कैरेक्टर काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। रिमेनिंग यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, क्वेश्चन आंसर पीडीएफ हम आपको, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भेज देंगे। ओके, थैंक यू।